बेटे उठ, टाइम से उठ के स्कूल चली जाइयो, लेट में तो यो फिर से, ठीक है? चल मैं जा रही हूँ काम पे। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। आई तू? जी मैडम। अच्छा राधा, अब ना जल्दी से अपनी स्पेशल वाली कॉफी बना दे। My head is gonna blow up. हाँ जी मैडम जी, अभी लाए। मैडम जी ऐसी कॉफी बनाऊंगी आपका स्टारबक्स फेल हो जाएगा। क्या कहा? स्टारबक्स? स्टारबक्स? स्टारबक्स नहीं, स्टारबक्स होता है पागल। सेम टू सेम मैडम जी। अभी लाती हूँ आपकी स्टारबक्स वाली कॉफी। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से। मैडम जी जो भी कहो, मोदी टीवी पर कितने अच्छे लगते हैं, इनमें भी शादी ना करी। अब बहुत आवश्यक जी, मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ। हाँ क्यों, निश्चित तौर पर। उसके ये तुम्हें लॉकडाउन खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। क्या खत्म होने का? लॉकडाउन आर्थिक कीमत, मतलब अब से ही तुम्हारी लड़की घर से पढ़ेगी, पति तुम्हारा घर पे रहेगा और तुम भी कुछ दिन घर पे ही रहोगी। मतलब पति भी घर पे रहेगा और मैं भी? हे भगवान, चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, आपसे काम पे जो नहीं आना पड़ेगा। मैडम जी जरूरी नहीं है कि जो सबके लिए सही हो, हम गरीबों के लिए भी सही हो। खर्चा कैसे चलेगा मैडम जी घर का? जो भी पैसा आता है वो तो संध्या का बाप शराब में उड़ा देता है। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना। अरे बाबा, तुझे काम से कौन निकाल रहा है, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर से आ जाना। और वैसे भी हेलो। हाँ हेलो। हम अपना नाम, आवाज नहीं आ रही है। हेलो बेटा, बोल कहीं नहीं रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो अम्मा, आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, वो संध्या से बैठे हैं ना इसीलिए। अरे यार अम्मा। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कुछ दिनों तुम्हारे वहां आ जाऊं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अरे बेटा लगता है तुम न्यूज नहीं पढ़ती हो, मोदी जी ने बोला है कुछ दिन घर पे रहो, किसी का रोना चल रहा है देश। अरे पर, अरे बेटा चल चल, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो अम्मा, हेलो अम्मा। मैडम जी मैं कह रही थी आप ना मुझे यहीं रख लो, मैं आपके लिए फ्री में काम कर लूंगी, मुझे घर नहीं जाना। क्या हुआ राधा, सब ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ मैडम जी, वो ना जुगी में एक नई भूतनी दिखी थी मुझे। भूतनी? हाँ, सर घोड़े जैसा था और हाथ में उसके भाला था। मुझे उससे बहुत डर लगता है मैडम जी, मुझसे घर नहीं रहा जाएगा। मैडम जी यहीं रख लो मुझे। ये सीरियल वीरियल ना कम देखा करो, अब चलो जल्दी से कुछ बना दो मेरे लिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और हाँ, पैसे वैसे की चिंता मत करना, कॉल कर देना मैं भिजवा दूंगी। अच्छा तो आप आज शाम तक आ जाएंगे मैडम जी? हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। हाँ
मैं कह रही थी सारा काम हो गया है, अब मैं घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, कुछ पैसे हैं ये रख लो, काम आएंगे। थैंक यू मैडम जी। आपने अपना ख्याल रखना, और कोई काम हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से आ जाऊंगी। आ गई तू स्कूल से? चल ख्याल रखियो अपना, ठीक है? मैं जा रही हूँ, अब पता नहीं कब मिले। टाइम से खाना खा लियो। तुमने वो अकेले छोड़ के जा रही हो? तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसे है? इधर जा रही है? कहीं नहीं। तो सामान के अपनी माँ को देने जा रही है? इधर जा रही है? कर रही हो, बच्ची है। आ जा मेरे पास, आ जा अब तो। संध्या बाहर जा। मेरे को धक्का देगी? राधा तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं मैडम जी, बस गिर गई थी।